हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान में RSMSSB बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसे हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के नाम से जानते हैं, उसमें आपके सीनियर और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें से कि आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पूरा ये पेपर रहेगा। सेकंड पेपर है दोस्तों, दिनांक 18/6/2022 को जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, वो पूरा पेपर है। फाइनल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में उपलब्ध हो रहा है। तो चलिए आपको बता देना चाहेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बोर्ड ने बदले हैं फाइनल आंसर की में। प्री जो आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर जो उत्तर बताए गए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस फाइनल आंसर की में देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही कई क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए हैं, बड़ी भारी मात्रा में इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, और कंप्यूटर निदेशक भर्ती की सीनियर और बेसिक दोनों की कट ऑफ आपकी जो जारी की गई है, उसके आधार पर पूरा वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध करवा दिया गया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट जो है जारी किया गया है, उसके बाद में फाइनल आंसर की जो जारी की गई है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिक कंप्यूटर निदेशक भर्ती है, सेकंड पेपर है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कठिन अवधारणाओं को समझने संबंधी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जा सकता है। पहले में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है। दूसरा प्रश्न आपके यहाँ पर उत्तर जो है वो चेंज किया गया है, इस प्रश्न में आपके चेंज किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उत्तर आपके चेंज किए गए हैं। प्री से मैं जो फाइनल आंसर की है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, पहले जो था वो यहाँ पर डी ऑप्शन बताया गया था, लेकिन ये ऑप्शन को चेंज करके बोर्ड ने इसका ए माना है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है, आपके ध्यान में आया कि आपकी कक्षा के दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कारण कक्षा प्रबंधन में कठिनाई आती है, आप क्या कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर उनका लगातार अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 118B आपके पेपर की सीरीज है, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसकी, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर निदेशक भर्ती का। और अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों का अनुप्रयोग निम्न में से किसकी जांच हेतु किया जाता है। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, सभी के अनुसार ए बी और सी तीनों ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर, स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून से पहले लेकिन 11 जून के बाद है, जबकि उसके छोटे भाई को ठीक से याद आता है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले है, और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन एक सम तारीख को है, जून में किस तारीख को निश्चित रूप से उसके पिता का जन्मदिन है। पांचों में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी 14 है, ऑप्शन सी 14 है। छठे क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, छठे क्वेश्चन में आपके यहाँ पर चेंजेस किया गया है। चलिए बता देते हैं, PQRST और U एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, R, P और T के बीच में बैठा है, S अंतिम छोर पर नहीं है, Q T के एकदम दाईं ओर बैठा है, U दाईं छोर पर नहीं है, R के एकदम बाईं ओर कौन है। प्रश्न को आपके डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपके डिलीट कर दिया गया है छठे को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, छठे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है PQRS वाला। सातवां क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष कौन सा निकलता है। सातवें में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, कोई सा भी नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड है। शिक्षण एक कला है और चित्र बनाना भी एक कला है, ये वाला कथन था, इसमें निष्कर्ष कोई सा भी नहीं निकल रहा। आठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें यह आपके सारणी दी हुई है, निम्नलिखित पाई चार्ट पर पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन कर उन प्रश्नों का उत्तर दें, उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको। और आठवें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है क्वेश्चन, यदि क्षतिग्रस्त कन्नड़ पुस्तकों की संख्या 92 है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या होगी कितनी होगी। आठवें में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4000, ऑप्शन डी 4000। नवे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नवे क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, यदि पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, एवं पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो पी क्यू का भांजा है को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। नवे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, पी भाग आर प्लस क्यू आ जाएगा। निम्न संख्या श्रेणी का गलत पद ज्ञात कीजिए, दसवें में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 125 है यहाँ पर, ये जो श्रेणी दी हुई है इसमें 125 नंबर जो संख्या है वो गलत है।
ग्यारहवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि हवा को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को नीला कहा जाता है, नीले को जल कहा जाता है और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होगा? ग्यारह में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर सी लाल। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के कुछ जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर सभी जोड़ियों के शब्द एक निश्चित संबंध रखते हैं, विषम जोड़ी कौन सी है वो चुनना है। बारहवीं में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्णय अधिवक्ता, निर्णय अधिवक्ता। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तेरहवें क्वेश्चन में जैसा कि यह कहा गया है, एक बाइनरी ट्री टी का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा यदि टी का प्री ऑर्डर तथा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्रमशः ए बी सी डी ई एफ तथा बी ए डी सी एफ ई है। तो 13वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बी डी एफ ई सी ए, बी डी एफ ई सी ए। 14वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी मेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है। 14वें क्वेश्चन पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। दोस्तों पूरे पेपर को जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पेपर देखना है आपको, क्योंकि कई क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। आगे जो अगले क्वेश्चन है उनमें से आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जल्दी वो क्वेश्चन आने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एस एम टी पी आ जाएगा इसका उत्तर। 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए एस एम टी पी, और ये अगला क्वेश्चन आ गया है आपके, जिसमें कि आपके चेंजेस किए गए हैं। 15वें क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एस ए एन एस एस ई आर आई एफ एफ ओ एन टी है, ठीक है ना। फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा एक सेंस सेरिफ फॉन्ट है। 15वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 15वें क्वेश्चन को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपके डिलीट किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 16वें क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीगा एस जी आई, ए एम आई जी अमीगा एस जी आई। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है। 17वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी डॉट आर ए आर, डॉट आर ए आर, ठीक है ना। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 18वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 18वां क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके चेंजेस किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन कथन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चुन लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है, जबकि पहले जो बताया गया था वो आपके डी बताया गया था, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, लेकिन बोर्ड ने इसे चेंज कर दिया है। अब आपके ए वाला ऑप्शन सही मान लिया, केवल कथन एक सही है, सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का संयोजन है जो आर डी बी एम एस टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। एक नंबर वाला ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा एन ओ एस क्यू एल का प्रकार नहीं है। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यू बेस, क्यू बेस। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 20वें क्वेश्चन में कहा गया है एक्स एम एल के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें। 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स एम एल का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 21वें क्वेश्चन में कहा गया है आर डी बी एम एस में भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ट्रिगर, ऑप्शन नंबर ए ट्रिगर। 22वां क्वेश्चन, उपसर्ग अभिव्यक्ति प्लस माइनस गुणा 3 2 /8 4 1 का परिणाम क्या है। 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी 5। आगे चलते हैं अगले पर 23 पर आ जाते हैं हम, और जैसा कि इसमें कहा गया है, निम्न में से किस कथन में त्रुटि है। 23 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसमें सेलेक्ट एम्पिड वेयर एम्पिड इक्वस टू 10009 एंड लास्ट नेम जी ई डबल एल ई आर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 24 एनक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है। 24 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, थंबनेल में आपको लिख करके बताया गया था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो कई क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं जो डिलीट हो चुके हैं, और कई क्वेश्चन जिनमें चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर चेंज जो हुए हैं क्वेश्चन वो बाकी हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जरूर से। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है 25 में डी एफ डी में एक ब्लैक होल होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें केवल बाह्य प्रवाह होता है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। 26 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार बता देते हैं कोकोमा मॉडल,
ऑप्शन नंबर डी कोकोमा मॉडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोकोमा मॉडल। आगे चलते हैं अगले पर 27। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, आउटलाइन मास्टर, आउटलाइन मास्टर। अगले पर चलते हैं, और दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि फर्स्ट जो पेपर है आपका बेसिक कंप्यूटर निदेशक का ही, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, ठीक है। लिंक आपको नीचे देने की पूरी पूरी कोशिश यानी कि की जाएगी, और हो सकेगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कुछ देर पश्चात आपको जरूर से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर निदेशक का फर्स्ट पेपर जो है उसकी भी फाइनल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा जल्दी। और हो सकेगा तो लिंक जरूर से चेक कर लें, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही कोशिश यह की जाएगी कि पूरा पेपर और इसकी जो फाइनल आंसर की, इन दोनों के पीडीएफ के लिंक भी आपको उपलब्ध करवाने की पूरी पूरी यहाँ कोशिश की जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो चलाना है, वीडियो पूरा देखना है और चेक करना है कि किसका उत्तर क्या माना है बोर्ड ने। आपको कुछ भी और परेशानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पूरे उत्तर बताए जा रहे हैं, हर एक उत्तर यहाँ बताया जा रहा है, कौन सा चेंज हुआ है, कौन सा डिलीट हुआ है, ठीक है। चेंज भी आपको बताया गया है, क्या पहले था और क्या डिलीट हुआ है, क्या चेंज हुआ है। 28 में आ जाते हैं, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच तीन कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? 28 में ऑप्शन नंबर यहां पर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके तीन बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 29 पर, एक आईपी पैकेट पहली 8 बिट जो कि 0100010 है के साथ आ गया है, इनमें से कौन सा सही है? 29 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। 30, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जिसमें 2n इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन है? 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। 31 पर आ जाते हैं, 31 में जैसा कि कहा गया है, वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। 31 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। 32वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक के संबंध में सही कथन कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 32वें में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी के अनुसार 1 और 3, 1 वायरलेस कनेक्शन वाला और 3 वाईमैक्स वाईफाई की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करता है वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है 33 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा XML के संबंध में सही कथन है? 33 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है। 2 XML का उपयोग डेटाबेस के तौर पर भी किया जाता है, और 4 XLL डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लेखित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 34 पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है, नोड दिए गए बाइनरी सर्च ट्री पर विचार करें, यदि रूट नोड डिलीट कर दिया जाए तो नया रूट हो सकता है? 34 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 और 59। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 35वें पर, 35वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, दी गई इक्वेशन का प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगा? a+b/c गुणा de-f। तो यहाँ पर 35 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, माइनस प्लस ए भाग bc def, ठीक है। 36 पर आ जाते हैं, 36 में जैसा कि कहा गया है, स्टैक का उपयोग करके कार्यान्वित निम्नलिखित स्टैक पर विचार करें, ये स्टैक दिया हुआ है, ठीक है। इसके आधार पर आपके कहा गया है, शीर्ष का अधिकतम मूल्य क्या होगा जो स्टैक के अति प्रवाह का कारण नहीं बनता है? 36 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, 10, ऑप्शन डी, 10। आगे चलते हैं 37वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एम एस एक्सेल में इक्वस टू LCM 5735 का आउटपुट होगा? 37 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35। 38वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, MS पावर पॉइंट में हम डैश कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शुरुआत से चला सकते हैं तथा डैश कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से? 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F5 और शिफ्ट प्लस F5। पहली कुंजी है F5 और दूसरी है शिफ्ट प्लस F5। अगले पर चलते हैं, 39 पर आ जाते हैं, और 39 में जैसा कि कहा गया है दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्नलिखित में से कौन सा है? 39 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, स्लाइड सॉर्टर 40। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में SD तथा MMC का तात्पर्य है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड।
41 MS। वर्ड में गटर किससे संबंधित है? तो इसमें 41 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन्स। 42 MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामांकन के लिए डैश बनाएं। 42 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बुकमार्क बनाएं। ऑप्शन डी, बुकमार्क बनाएं। आगे चलते हैं अगले पर। 43 में जैसा कि कहा गया है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है। 43 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर्ट। 44 निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? 44 हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वैसे आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, आपकी जो भर्ती निकली है ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इसमें आपकी कट ऑफ मार्क जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, वो नॉर्मल कट ऑफ से थोड़ी कम ही गई है, जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम ही गई है, यानी कि अच्छी कट ऑफ गई है इसमें आपके। और जो आपकी ये सेकंड पेपर है, इसका लेवल थोड़ा आपके बढ़िया होने के कारण में आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी डाउन गई है। वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है पूरा का पूरा कि कट ऑफ कितनी रही है। निम्नलिखित में से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, 44 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 45 निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? 45 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेराबाइट। 46 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? 46 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PDP-11 नहीं है, बाकी तीनों है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 47 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, MICR। 48 पर आ जाते हैं, यदि तीन धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस परिदृश्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? 48 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस कंडीशन। 49 रिलेशनल डाटाबेस में मिनिमल सुपर कीज डैश कहलाती है। 49 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कैंडिडेट कीज। 50 पर आ जाते हैं, डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश कहलाता है। ऑप्शन डी, एक्शन स्टब। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन है 51। सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है? फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन, सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है। 51 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए। 52 पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें कहा गया है, एक रिलेशन जिसमें प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंजी पर फंक्शनली आश्रित निर्भर हो तथा जिसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं हो, डैश में होता है। 52 में बी आ जाएगा, 3NF। 53 पर आ जाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है? 53 में ऑप्शन नंबर दोस्तों चेंज किया गया है, ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन जो था वो दूसरा था और अब आपके वर्तमान में जो ऑप्शन है वो डी कर दिया गया, उपयुक्त सभी। पहले था ए वाला, ठीक है, कोड की पंक्ति संख्या, ये भी सही है। बी, आदमी साल की संख्या, ये भी सही है। और सी, फंक्शन बिंदुओं की संख्या, FP, ये भी सही है। ऑप्शन डी मान लिया गया है उपरोक्त सभी को, ठीक है, ऑप्शन डी मान लिया गया है 53 में। 54 जटिल परीक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है? 54 में ऑप्शन नंबर इसमें भी चेंज है आपके, इसमें जो पहले था उससे बदल करके ए कर दिया गया है, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम और एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहले कौन सा था? पहले आपके बी वाला ऑप्शन था, ठीक है, ऑप्शन बी था आपके, और अब आपका जो चेंज किया गया है दोस्तों वो ए नंबर वाला ऑप्शन कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया था उनके बढ़िया काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 55 पर आ जाते हैं, ऑप्शन चेंज, कई क्वेश्चन में चेंज किया गया, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। कौन सी टेस्टिंग एक विशेष मॉड्यूल की बहुत अधिक टेस्टिंग पर केंद्रित है? 55 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गोरिल्ला टेस्टिंग। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 56 पर आ जाते हैं, सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम है? 56 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स समझ आऊँगा, 56 में ऑप्शन नंबर बी आएगा, पहले था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको आपके बदल दिया गया है और ऑप्शन बी यहां पर कर दिया गया है, ऑप्शन बी आ जाएगा, सूचना की ज़रूरतों का वर्णन करें, ठीक है। 56 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सूचना की ज़रूरतों का वर्णन करें, पहले क्या था? ऑप्शन डी था, जिसे बोर्ड ने गलत माना है और अब ऑप्शन बी को सही मान लिया 56 में। 57 निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर 57 में आपके ऑप्शन नंबर
डी आ जाएगा, ठीक है, 57 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें चेंजेस भी हुआ है। 58, जावा में निम्न में से किस विधि से स्ट्रिंग बनेगी? फर्स्ट है स्ट्रिंग एस बराबर हैलो जावा, और सेकंड स्ट्रिंग एस टू बराबर न्यू स्ट्रिंग हैलो जावा। तो यहाँ पर 58 में ऑप्शन नंबर जो आपके बोर्ड ने माना है वो ए मान लिया है, केवल एक से। पहले जो था वो आपके ऑप्शन नंबर था यहाँ पर दोस्तों सी वाला, ठीक है, सी को बोर्ड ने गलत कर दिया है और ए वाले ऑप्शन को फाइनल आंसर की में सही माना है। 59, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर हैं? 59 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। अगले पर चलते हैं, 60 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। और 60 नंबर के क्वेश्चन पर जैसा कि कहा गया है, एंड टपल वाले रिलेशन एम्प्लॉय पर यदि एसक्यूएल कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय निष्पादित की जाती है तो एम्प्लॉय रिलेशन डैश से डैश हट जाएगा। 60 में ऑप्शन नंबर सी आएगा, यदि सभी एंड टपल्स, सभी एंड टपल्स। 61, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में स्कीमा परिवर्तन कथनों का उचित युग्म है? 61 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ड्रॉप अल्टर, ड्रॉप अल्टर। 62, सत्य कथन का चयन करना है कौन सा सत्य है? 62 में सी आ जाएगा, एक और दो दोनों सही है, बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च सही है, बाइनरी सर्च उन सभी इनपुट लिस्ट पर, ये वाला भी सही है। 63 पर आ जाते हैं, एक लिनियर एरे एल ए की लोअर बाउंड एल वी तथा अपर बाउंड यू बी है, निम्न एल्गोरिथम पर विचार करें। यह एल्गोरिथम दिया हुआ है, यह एल्गोरिथम एरे एल ए को डैश करती है, क्या करती है? 63 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ट्रेवर्स, ट्रेवर्स। अगले पर चलते हैं, 64 पर आ जाते हैं, 64, संबंध बीज गणित के संदर्भ में, संबंध परक बीज गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है? 64 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सिलेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट और सिलेक्ट वाला। 65 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट भौतिक रूप से मौजूद नहीं है? 65 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन नंबर सी व्यू। 66, निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड प्राथमिक कुंजी विशेषताओं वाले रिलेशनल स्कीमा में सुपर की नहीं है? नहीं कहा गया है कौन सा नहीं है, 66 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी डब्ल्यू एक्स और जेड, वी डब्ल्यू एक्स और जेड। 67, जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित को मिलाएं, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का, चलिए मिला देते हैं। 67 में ऑप्शन नंबर यहां पर डी आ जाएगा, 4, 1, 2 और 3, डी डी एल चला जाएगा रिवॉक पर। अगला आपके आ जाएगा डी एम एल लॉक टेबल, ठीक है, 4, 1, फिर अगला चला जाएगा 2 पर टी सी एल कॉमिट, और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपके 3 पर चला जाएगा नेचुरल डिफरेंस। 68, अगर आपको ये देखना है कि पहले से कितने क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैंने पहले जो ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जारी की थी वो भी उपलब्ध करवा दिया था वीडियो, और अब जो बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी की है उसके आधार पर भी पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया है। और हर प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूँ जो भी चेंज हुआ है उसे आपको यहाँ पर दोहराया जा रहा है कि क्या पहले था और क्या अब चेंज हुआ है, और साथ ही यह भी दोहराया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न यहाँ पर डिलीट किया गया है। तो ये चैनल आपको उपलब्ध कराता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर कीज के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, चाहे वो ऑफिशियल प्राइमरी हो या फिर फाइनल हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आप लोग क्या है चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे ना दोस्तों, तो इससे आपको भविष्य में जब भी पेपर देखना होगा तो आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यूट्यूब पर आना है, द फ्यूचर एजुकेशन को सर्च करना है, सर्च नहीं करते हैं और सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सर्च करने का भी झंझट खत्म हो जाता है। और जब भी पेपर आपको उपलब्ध हो, जैसे ही मैं पेपर डालूँ नोटिफिकेशन आप तक जाए उसे देख लें, आपको बार बार बहुत लंबे सारे पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हफ्ते में एक आध बार पेपर अगर देख लेते हैं तो इससे आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपरली चलती रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। प्रीवियस ईयर की बात नहीं है, वर्तमान जो साल चल रहा है 2022 चल रहा है,
इसमें जो पेपर आपके हो रहे हैं इनमें से ही कई क्वेश्चन 2022 में ही रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और आगे भी पूरा पूरा देखा करें वीडियोस को। वीडियो को पूरा देखने से होगा क्या दोस्तों, होगा ये कि वीडियो पर जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा और वीडियो आप सभी तक फैलता रहेगा, पहुँचता रहेगा और आप सभी इसे देख करके लाभ उठा सकेंगे। अगर आप इसे बीच में देख करके बंद कर देते हैं, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, 10% 20% देख करके बंद कर देते हैं और 60% से कम अगर देखते हैं तो वीडियो पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा यूट्यूब पर जिस भी यूट्यूबर का आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसे 60-70% तक जरूर से देखा करें, बीच में बंद ना करें। इससे यूट्यूबर जो मेहनत करता है वो बेकार चली जाती है दोस्तों। तो आपसे कहना चाहूँगा कोई भी यूट्यूबर का अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे बीच में बंद बिल्कुल ना करें। टपल रिलेशन रिलेशनल कैलकुलेशन में P1 P2 बराबर है, 68 में A आ जाएगा, P1 P2 वाला ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसे A वाला। और 69 पर चलते हैं अब हम, और 69 में जैसे कहा गया है रिलेशनल डेटा में हेर फेर करने के लिए कौन से ऑपरेशनों के मूल सेट का गठन करते हैं, 69 में C आ जाएगा रिलेशनल एल्जेब्रा, 70 नेटवर्क लेयर फायरवॉल डैश के रूप में कार्य करता है, 70 में आ जाएगा ऑप्शन बी पैकेट फिल्टर, ऑप्शन बी पैकेट फिल्टर। 71 एक डैश एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ओएस की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है, 71 में आ जाएगा ऑप्शन सी रूट किट, ऑप्शन सी रूट किट। आगे चलते हैं और 72 पर आ जाते हैं। 72 हैक्टिविज्म डैश है तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 73 पर। सबसे पुराने फ़ोन हैकिंग तकनीक की पहचान करें जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं, 73 में ऑप्शन नंबर यहां पर आ जाएगा बी ऑप्शन बी फ्रीकिंग। आगे है 74 एक रैम चिप की क्षमता 8 बिट्स के 1024 शब्दों की होती है, 1K × 8 रैम के 16K × 16 रैम बनाने के लिए आवश्यक सक्षम लाइन वाले 2×4 डिकोडर की संख्या है, 74 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 ऑप्शन नंबर बी 5। आगे चलते हैं 75 पर एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है, 75 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम में, ऑप्शन नंबर बी रोम में। आगे चलते हैं 76 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 76 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में उपयोग होता है, और 76 में ऑप्शन नंबर यहां पर आ जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन ए एयर क्रेक एनजी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 77 डैश एनकोडिंग योजना में प्रत्येक 64 बिट 4 6 बिट खंड बन जाते हैं और अंततः 32 बिट के रूप में भेजे जाते हैं, तो यहां पर आपके 77 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी बेस 64, ठीक है, प्रश्न आप फिर से देख सकते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं 78 पर आ जाते हैं। 78 में कहा गया है FTP में 3 प्रकार के डैश स्ट्रीम ब्लॉक और कंप्रेस्ड हैं, तो 78 में यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन मोड्स। 79 चेक सम का प्रयोग किया जाता है, 79 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रुटि पहचानने के लिए। 79 के बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 80 इनपुट एरे 32 51 27 85 66 23 13 57 पर बबल शॉट का प्रथम पास पूर्ण करने के उपरांत आउटपुट लिस्ट क्या होगी, 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 27 51 66 23 13 57 85। आगे चलते हैं 81 पर आ जाते हैं। MS Excel के संदर्भ में बेबेल का चुनाव करें, 81 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट। 82 में कहा गया है एक विशेष सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू क्रिएट करता है उसे डैश कहा जाता है, 82 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पूलर, ऑप्शन डी स्पूलर। पासवर्ड क्रैकिंग तकनीक के रूप में क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग तकनीक के रूप क्या है, 83 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं, अटैक सी लेवल है, अटैक ब्रूट फोर्सिंग है और अटैक हाइब्रिड है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 84 पर आ जाते हैं गलत कथन छाटिए, 84 में गलत कथन कौन सा है वो छाटना है, ठीक है, 84 में
ऑप्शन जो दोस्तों फाइनल आंसर की क्या आधार पर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यदि हम किसी वेरिएबल को फाइनल घोषित करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइनल मेथड मॉडिफाई किया जा सकता है। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं। 85 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5, ऑप्शन नंबर डी 5। 86 पर आ जाते हैं। 86 में कहा गया है विंडोज़ 95 की एक INT फाइल है। 86 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक टेक्स्ट फाइल। 87 एक काउंटिंग सेमाफोर 8 से इनिशियलाइज्ड किया गया है, फिर 12P वेट ऑपरेशन एवं 7V सिग्नल ऑपरेशन इस सेमाफोर पर पूर्ण किए गए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सेमाफोर की वैल्यू होगी। 87 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी 3। 88 जावा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 88 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के अनुसार केवल बी सही है, एक वर्ग केवल एक वर्ग को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। 89 पर आ जाते हैं। 89 में जैसा कि कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है। 89 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के कंटेंट आगे भी पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। SQL में डैश एक एग्रीगेट फंक्शन है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी AVG। 91 PTR डाटा एक डाटा टाइप का सूचक है, व्यंजक PTR डाटा प्लस प्लस का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है C++। तो 91 में ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है, ठीक है। 91 को आपके डिलीट किया गया है। तो आगे चलते हैं 92 पर आ जाते हैं। और 92 में जैसा कि कहा गया है 92 में आपके ध्यान से देखिएगा चेंजेस है। मान ले कि P और Q गैर शून्य सकारात्मक पूर्णांक है, निम्न प्रोग्राम खंड प्रदर्शन करेगा। तो आपके 92 में ऑप्शन डी आ जाएगा। इसमें 92 में लूप इन्फिनिट बार चलेगा, लूप इन्फिनिट बार चलेगा, ठीक है ना। इसमें आपके 92 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। और जो पहले था वो आपके बी था, लेकिन बी को आपके चेंज करके और डी को सही कर दिया गया है, लूप इनिशिएट बार चलेगा। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 93 पर। अपनी स्क्रीन के केवल एक हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नाइपिंग टूल मेन्यू खोलने के लिए कमांड कौन सा होगा। 93 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एस। 94 ज्ञात कीजिए एक्स बराबर क्या है यदि 356 8 बराबर एक्स 16। तो यहाँ पर 94 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार आपके आ जाएगा डबल ई, ऑप्शन ए डबल ई। 95 पर आ जाते हैं। 95 में जैसा कि कहा गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कौन से कथन सही है। 95 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए 1, 2 और 4। 1 सही है, कैच ब्लॉक के लिए ट्राई ब्लॉक हो सकता है सही है। 2 नंबर वाला सही है, किसी एक ट्राई ब्लॉक के लिए कितने भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं। और 4 नंबर वाला किसी कोड को प्रोग्राम के प्रत्येक रन के साथ एग्जीक्यूट वाला भी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 96 पर। और 96 में कहा गया है कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है। 96 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्टार्ट। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 96 में सी आ जाएगा स्टार्ट। 97 प्रश्न में आपके ऑप्शन को चेंज किया गया है, ध्यान से देखिएगा क्या चेंजेस किया गया है वो आपको देखने। 97 में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न में आपके इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। 97 जो क्वेश्चन है आपके इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। पहले ऑप्शन बी था लेकिन उसे चेंज करके प्रश्न को डिलीट कर दिया है। 98 पर आ जाते हैं। सी में विभिन्न प्रकार के रियल डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप कौन से हैं। 98 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लॉट डबल लॉन्ग डबल, फ्लॉट डबल लॉन्ग डबल। 99 वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित कोड के निष्पादन के बाद परिणाम क्या है यदि ए 10 है बी 5 है और सी 10 है। तो ये आपके यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है, इसके अनुसार आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ए बराबर 11 सी बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। 100 निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा पाइथन लैंग्वेजेज में सही नहीं है। 100 में बी आ जाएगा,
एक्स वाई जेड पी बराबर 5000, 6000, 7000, 8000। बेसिक कंप्यूटर निर्देशक सेकंड पेपर पूरी फाइनल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको करवाया गया था। फ्यूचर से एजुकेशन द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।